तो गाइज आईवी कैनुला लगाने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट का कंसेंट ले लेना होता है और साथ ही प्रोसीजर के दौरान जितने भी आर्टिकल्स काम में आएंगे उन सभी को साथ में ले लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अप्रोप्रिएट साइज का कैनुला, वेन के अकॉर्डिंग आपको ये कैनुला लेना होता है। बच्चों में हम 24 और 26 गोज का कैनुला लेते हैं और बड़ों में 22 और इससे अबव का कैनुला लेते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होता है स्पिरिट स्वैब और नेक्स्ट चाहिए कैनुला को फिक्स करने के लिए फिक्सिएटर। गाइज गवर्नमेंट सेटअप में नॉर्मली टेगाडम नहीं होता है तो वहां पे हम जो भी माइक्रोपोर अवेलेबल होती है या डायनाप्लास्ट होते हैं उनसे भी हम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के लिए एक टर्नुकेट की जरूरत होती है। इसके अलावा गाइज एक प्रीफिल्ड सिरिंज आपको लेनी होती है। सिरिंज में नॉर्मली एनएस लेते हैं और वो एक फ्लैश के तौर पे काम करना होता है। इसके अलावा हमें ले लेना है एक आपके अप्रोप्रिएट साइज के हैंड ग्लव्स। तो गाइस सभी आर्टिकल्स हमने अरेंज कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं साइट को प्रिपेयर। साइट को प्रिपेयर करने की प्रोसेस में सबसे पहला होता है हमें वेन को सिलेक्ट करना है और जो बेस्ट वेन होती है उसके अंदर में हमें कैनुला को फिक्स करना होता है। गाइस अगर आप जानना चाहते हो बेस्ट वेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर में हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आई बटन पे ऊपर में उस वीडियो का लिंक है, कृपया करके वहां देखिए। इसके बाद में आपको स्टाइल ग्लव्स पहन लेना है और आगे की तरफ में टर्निकेट अप्लाई कर देना है। तो गाइस हमने वेन सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद में हमें साइट को प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो हमारे पास में एल्कोहल स्वैब है उनको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ लोग एल्कोहल स्वैब को इस प्रकार से क्लीन करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। गाइस इसका एक तरीका होता है, वो होता है सेंटर टू आउटवर्ड, वो भी सर्कुलेटिंग मोशन में। यहाँ पे गाइस ध्यान रखना है एक बार स्पिरिट स्वैब से स्किन को क्लीन करने के बाद में आपको फिर से वहाँ पे फिंगर्स को टच नहीं करना है। साथ ही पेशेंट को बोलेंगे अपनी फिस्ट को क्लेंजिंग करने के लिए 2 से 3 बार अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे तो वेन बाहर की तरफ प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसके बाद में कैनुला को हम अनपैक करेंगे और उसके बाद में वेन को अपने थंब और फिंगर की मदद से थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद में कैनुला को इस टेक्निक से हमें होल्ड करना है और एक एंगल पे जो कि 10 से 25 डिग्री स्किन के ऊपर में एंगल होता है उस एंगल से 1 से 2 mm का हमें प्रिक करना है। गाइस देखिए प्रिक करते ही पीछे की तरफ जो फ्लैशबैक चैम्बर है वहाँ पे ब्लड आ गया है। आपको हमेशा जो इनिशियल फ्लैशबैक होता है वो उसको देखना है और उसके बाद में ही आगे की प्रोसेस करना है। तो गाइस इनिशियल फ्लैशबैक होने के बाद में आपको स्टिलेट को बाहर की तरफ थोड़ा सा निकालना है और प्लास्टिक वाले पार्ट में आपको सेकेंडरी फ्लैशबैक जरूर चेक करना है। कई बार होता क्या है, आपने इनिशियली तो वेन को हिट कर दी लेकिन उसके बाद में जब आप प्लास्टिक कैथेटर को आगे की तरफ पुश करते हो उस समय में काउंटर प्रिक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे आप सेकेंडरी फ्लैशबैक जरूर देखिए, उसके बाद में ही आपको कैनुला को आगे की तरफ पुश करना है। जैसे ही कैनुला आगे की तरफ जाता है उसी समय में आपको बटरफ्लाई को अच्छे से स्किन पे रख देनी है और टर्निक्वेट को रिमूव कर देना है। टर्निक्वेट को रिमूव करने के बाद में आपको कैनुला का जो एंड पार्ट है वहां पे आपको अपने फिंगर से प्रेशर करते हुए स्टिलेट को निकाल देना है। गाइस इस प्रकार से आपको अटैच करके थोड़ा सा एनएस पुश करके देख लेना है। यहाँ पे जब मैंने पुश किया है तो आगे की तरफ कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं आई है। तो जो कैनुला के कॉम्प्लिकेशंस होता है जिसमें एक्स्ट्राविजेशन होता है या फिर काउंटर प्रिक हो जाता है या फिर स्वेलिंग होती है, वो सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो गाइस हमने कैनुला लगा दिया है और अब इसकी बारी आती है इसको फिक्स करने की। फिक्स करने के लिए जो हमारे पास में जो ड्रेसिंग है उसमें ये जो छोटी छोटी स्टिक्स है उसको हम इस प्रकार से अटैच करेंगे। अब ये अटैच करने के अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मेरे अकॉर्डिंग ये जो मैं लगा रहा हूँ वो टेक्निक सबसे अच्छी है। इसमें क्या होगा, जो हमारा कैनुला का पार्ट है आगे वाली टिप है जो स्किन के अंदर में है वो भी हमें विजिबल होती है। साथ ही साथ एक्सीडेंटली कई बार कैनुला जो रिमूव हो जाता है टच होने की वजह से वो भी नहीं होता है। तो गाइज इस तरह से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, दोनों साइड की जो चिपकने वाली स्ट्रिप्स है उनको भी लगा दिया है। साथ ही जो टेगाडम के ऊपर की तरफ में एक और जो फिल्म होती है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो गाइज आप देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कितने शानदार तरीके से ये कैनुला फिक्स हो गया है। इसके बाद में आपको सेकेंडरी फ्लैश चेक करके ज़रूर देख लेना है कि कैनुला आपने फिक्स करने के दौरान कहीं आउट तो नहीं कर दिया है। तो गाइज क्लियरली आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लैश का जो नॉर्मल सलाइन है वो बिल्कुल आसानी से जा रहा है।
तो गाइज ये मैंने एक अडल्ट पे आपको डेमो दिखाया है। पिट्स का डेमो अगर आपको देखना है तो चैनल पे आ जाइए, वहां पे इसके लिए भी वीडियो है। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हो बेस्ट वैन को कैसे सेलेक्ट करते हैं उनके ऊपर में भी मैंने टिप्स बताई है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।